नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बॉलीवुड की ड्रग्स वाली गुलथी सुलझने की जगह अब और उलझती जा रही है, पर एनसीबी भी इस केस को सुलझाने के लिए जी तोड़ मेहनत में लगी है। अभी तक इस मामले में 40 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, वे सभी इसी गैंग से जुड़े हुए थे, पर अब जो नाम सामने आया है उसने सभी को हैरान कर दिया है। इस मामले में अब एक पान वाले का नाम सामने आया है। ये कोई ऐसा वैसा पान वाला नहीं है, ये मुच्छड़ पान वाला है। इस पान वाले की पहचान आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों तक है। इसका नाम सामने आने के बाद तो लगता है कि इस ड्रग कांड में अभी और पत्ते खुलना बाकी है। बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे एनसीबी ने मंगलवार को तड़के मुंबई के फेमस मुच्छड़ पान वाले यानी रामशंकर तिवारी को अरेस्ट कर लिया। इससे पहले तिवारी से पूरी रात पूछताछ की गई। एनसीबी ने सोमवार को मुच्छड़ पान वाले को समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया था। रामशंकर तिवारी सोमवार सुबह 10 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंचे थे, वहां उसने 17 घंटे पूछताछ की गई। आपको बता दें, इस मामले में शनिवार को पकड़े गए ब्रिटिश नागरिक करण सजनानी से पूछताछ में मुच्छड़ पान वाले का नाम सामने आया था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक मुच्छड़ पान वाले भी सजनानी के ग्राहकों में शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक ड्रग सप्लायर ने भी उसका नाम लिया था। इसके बाद मुच्छड़ पान वाले की कैम्स कॉर्नर की दुकान से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई थी। वहीं एनसीबी ने दो दिन पहले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा के पूर्व मैनेजर रहीला फर्नीचर वाला, उनकी बहन सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया था। ये भी बताया जा रहा है कि दिया मिर्जा के पूर्व मैनेजर का कनेक्शन भी पान वाले के साथ हो सकता है। आपको बता दें, मुच्छड़ पान वाले नाम की दुकान 45 साल पहले यूपी के इलाहाबाद स्थित तिवारीपुर के रहने वाले पंडित श्यामचरण तिवारी ने खोली थी। मुंबई मालाबार हिल के कैम कॉर्नर में अब ये दुकान तिवारी के बेटे जयशंकर तिवारी अपने तीन भाइयों के साथ चलाते हैं। मुच्छड़ पान वाले के ग्राहकों में कई फिल्मी हस्तियां, उद्योगपति और नेता शामिल हैं। इसके अलावा दुकान के बाहर आम लोगों के भी पान खरीदने के लिए लंबी लाइन लगती है। दुकान से ऑनलाइन पान मंगाने भी सुविधा ग्राहकों को दी जाती है। तो ऐसे में अब पान वाले का नाम सामने आया है, तो इससे अब कई बड़े नाम का खुलासा हो सकता है। वहीं अब नेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी को बॉलीवुड में बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का पता चला था। सेंट्रल एजेंसी ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सुशांत की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोवेक चक्रवर्ती समेत 40 से ज्यादा लोगों के अलग अलग मामलों में अरेस्ट किया है। इसमें कॉमेडियन भारती सिंह, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रेस सिंह से पूछताछ की गई है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी जल्द कई बड़े नामचीन हस्तियों के पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।